सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी पर एक थ्योरम करेंगे और उसका प्रूफ देखेंगे। कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी के बारे में उसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल मैं पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, थ्योरम है एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन एन इंटरवल इज कंटिन्यूअस ऑन दैट इंटरवल। अगर कोई भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी भी इंटरवल में, तो उस इंटरवल में वो जरूर कंटिन्यूअस भी होगा। अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो निश्चित रूप से कंटिन्यूअस होगा। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मीन्स क्या हुआ कि अगर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो निश्चित रूप से कंटिन्यूअस होगा उस इंटरवल में। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो ऐसा जरूरी नहीं है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो ऐसा जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं। अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो निश्चित रूप से कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो ये जरूरी नहीं। कंटिन्यूअस है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो जरूर वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो। अब आपको पता होगा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी का क्या डेफिनेशन है कि अगर कोई भी फंक्शन ए भी इंटरवल में कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो एप्सिलॉन के करेस्पोंडेंस एक पॉजिटिव नंबर मिलता है डेल्टा, सच दैट ऐसा होता है कि x1 x2 कोई भी दो मेंबर हम लोग लेते हैं इंटरवल ए बी में, और ऐसा लेते हैं कि मॉड x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा इंप्लाइज मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन, देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल ए बी। इस इंटरवल में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होने के लिए एप्सिलॉन के करेस्पॉन्डिंग एक डेल्टा मिलेगा और वो डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। और ऐसा होगा कि इस इंटरवल का कोई भी मेंबर ले लेते हैं x1 x2 और ऐसा लेना है कि मॉड x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, तो मॉड ऑफ fx1 माइनस f(x)2 लेस देन एप्सिलॉन अगर आ जाता है तो फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं। यहां पर दिखाना है ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो हम लोग को कंटिन्यूअस दिखाना है। तो सिंस ऐसे लिखते हैं लेट ये फंक्शन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए। मान लेते हैं कि ये फंक्शन एफ जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है इंटरवल ए बी में, देन बाय डेफिनेशन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ये पॉजिटिव नंबर डेल्टा, पॉजिटिव नंबर डेल्टा such that mod of f of x1 minus f of x2 less than epsilon for any two points x1 x2 belongs to इंटरवल ए बी एंड मॉड x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा। तो जब यह फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है इस इंटरवल ए बी में
तो डिफरेंशियल से एप्सिलॉन के करेस्पोंडिंग एक डेल्टा मिल जाएगा, पॉजिटिव नंबर ऐसा मिलेगा कि मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी टू पॉइंट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एंड सच दैट मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन डेल्टा। तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी के डिफरेंशियल से है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सी बी एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हम लोग ले लेते हैं इन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में, कोई भी पॉइंट हम लोग ये सी ले लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर सेटिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं एक्स टू के जगह सी मान लेते हैं एंड एक्स के जगह एक्स वन के जगह एक्स मानते हैं। एक्स टू के जगह हम लोग सी ले रहे हैं और एक्स वन के जगह एक्स ले रहे हैं, तो देयरफॉर यहां पर जो अभी हम लोग लिखे हैं उसको आप देखिए एक्स, ये सी किसका पॉइंट है, सी जो है वो इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट है और एक्स एक्स क्या ले रहे हैं एक्स वन ले रहे हैं, एक्स वन को ही एक्स हम लोग मान रहे हैं, तो जो सी है वो इस इंटरवल का पॉइंट है, तो एक्स टू के बदले सी ले रहे हैं, एक्स टू भी इस इंटरवल का पॉइंट था तो एक्स टू के बदले हम लोग सी ले रहे हैं और एक्स वन भी इसी इंटरवल का पॉइंट है और एक्स वन के बदले एक्स ले रहे हैं और ऐसा है कि मॉड एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन डेल्टा, तो यहां पर हो जाएगा मॉड एक्स, एक्स वन के जगह एक्स बैठा रहे हैं और एक्स टू के जगह सी बैठा रहे हैं, मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। ध्यान दीजिएगा एक्स वन के जगह एक्स ले लिए और एक्स टू के जगह हम लोग सी ले लिए हैं और ये एक्स वन एक्स टू जो है इसी इंटरवल का मेंबर है, ऐसा है कि ये इसका मॉडुलस जो है वो लेस देन डेल्टा है, तो हम लोग एक्स और सी जो ले रहे हैं वो इसी इंटरवल का मेंबर हो गया और ऐसा है कि मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा इंप्लाइज। तो यहां पर इस डिफरेंशियल से क्या लिखेंगे हम लोग कि अगर x1 x2 कोई भी इस इंटरवल का मेंबर लेते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, x1 x2 के जगह हम लोग ये पॉइंट लिए हुए हैं तो यहां पर x1 के जगह वैल्यू पुट कर देते हैं x और x2 के जगह वैल्यू पुट कर देते हैं c, तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो क्या इस डिफरेंशियल से हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन c पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, c पॉइंट पर कंटिन्यूटी के लिए यही डिफरेंशियल है कि mod x minus c less than delta implies mod of fx minus fc less than epsilon। यह हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन f is continuous at point c, c पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है और c है क्या, c यहां पर कोई भी पॉइंट है इस इंटरवल का, तो c पर कंटिन्यूअस और c इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट है यानी इस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब इस इंटरवल में कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं तो देयर बट c इज एनी पॉइंट इन इंटरवल ए बी, तो देयरफॉर फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए बी। तो हम लोग क्या दिखा दिए कि अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो वो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन अब दिखाना है कि इसका कन्वर्स नेसेसरली नहीं है कि वो ट्रू होगा, कन्वर्स जो है वो जरूरी नहीं है कि ट्रू होगा। तो कन्वर्स जो है ट्रू नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग कंटिन्यूअस है तो दिखाएंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसको दिखाने के लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। हम लोग इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, लेट अस कंसीडर ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स इन इंटरवल, ये हम लोग ओपन इंटरवल लेते हैं जीरो टू वन, इस इंटरवल में ये फंक्शन डिफाइंड है। अब सिंस देखें यहां पर कि एक्स, सिंस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, हम लोग ये पहले से जानते हैं कि एक्स जो होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है और एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो x आइडेंटिटी फंक्शन है इसीलिए कंटिन्यूअस होगा, सभी जगह कंटिन्यूअस होगा, तो ये कंटिन्यूअस इन इंटरवल 0 टू 1, जब सब जगह कंटिन्यूअस है तो इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा एंड x नॉट इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ये ओपन इंटरवल है तो x जो है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, तो x चूंकि कंटिन्यूअस है
और x 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रत्येक फंक्शन जो कंटीन्यूअस होता है उसका रेसिप्रोकल भी कंटीन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड फंक्शन जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एफ एक्स कहीं पर कंटीन्यूअस है तो 1/fx भी कंटीन्यूअस होता है, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो चूंकि x कंटीन्यूअस है इसीलिए इसका रेसिप्रोकल फंक्शन यानी कि 1/x इज ऑल्सो कंटीन्यूअस। तो ये तो कंटीन्यूअस हो गया इन इंटरवल 0 to 1। अब हम लोग दिखाएंगे कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं होगा। कंटीन्यूअस है लेकिन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं होगा। नाउ वी शैल शो दैट, हम लोग दिखाएंगे वी शैल शो दैट 1/x इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस इन इंटरवल 0 to 1। इस इंटरवल में दिखाएंगे कि ये यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं है, लेकिन हम लोग उल्टा मान लेते हैं। इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो मान लेते हैं कि यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। इफ पॉसिबल लेट fx इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस इन इंटरवल 0 to 1। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है, तो इसके लिए जब यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है तो डेफिनेशन से फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ये पॉजिटिव नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा, सच दैट मॉड ऑफ f(x1) f(x1) - f(x2) लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एनी टू x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to 1 सच दैट मॉड ऑफ x1 - x2 लेस देन डेल्टा। तो एप्सिलॉन के करेस्पॉन्डिंग जब ये फंक्शन हम लोग सपोज कर रहे हैं कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो एप्सिलॉन के करेस्पॉन्डिंग एक डेल्टा मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि mod of fx1 - fx2 less than epsilon होगा for any 2x1 x2 belongs to this interval and such that mod of x1 - x2 less than delta। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो delta है let हम लोग delta जो number मान रहे हैं, delta जो number मिलेगा तो ये positive number होगा, small ही होता है number ये, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये 0 और 1 के बीच में, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। let delta be ये नंबर लाइन बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के बीच हम लोग मान लेते हैं ये डेल्टा। तो क्या करते हैं, ये जो नंबर x1 यहां लेना है, x1 कहां पर लेना है, 0 और 1 इंटरवल में लेना है, तो x1 की जगह हम लोग मान लेते हैं डेल्टा है। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर ये 0 है ये 1 है, डेल्टा जो नंबर हम लोग ले रहे हैं वो 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में मान लीजिए ये डेल्टा है, तो x1 जो लेना था वो 0 और 1 के बीच में लेना था, तो x1 के बदले हम लोग डेल्टा ले सकते हैं, डेल्टा जो है वो 0 और 1 के बीच में है। और x2 देखिए क्या लेते हैं, x2 लेते हैं डेल्टा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एप्सिलॉन। ये जो x2 ले रहे हैं डेल्टा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एप्सिलॉन, ये भी इसी इंटरवल का मेंबर होना चाहिए, x2 0 1 का ही होना चाहिए। तो देखिए ये जो नंबर लिए हैं वो 0 और 1 के बीच में आएगा या नहीं आएगा, जरा सोचिए। ध्यान दीजिएगा डेल्टा जो नंबर है वो 1 से छोटा है और ये नंबर 1 से बड़ा है, क्यों 1 से बड़ा है, 1 में कुछ ऐड करेंगे तो ये तो 1 से बड़ा हो जाएगा और ये नंबर 1 से छोटा है। तो मान लीजिए न्यूमरेटर में 1 से छोटा नंबर हम लोग 0.1 रखें और डिनोमिनेटर में 1 से बड़ा नंबर रखें, मान लीजिए 1.2 रखें, तो 1 से बड़ा नंबर है यहां पर, तो ये दोनों को डिवाइड करने के बाद कैसा नंबर आएगा, ये नंबर आएगा पॉइंट हटा दीजिएगा तो 1/12 आएगा, क्या लेस देन 1 आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है, तो यानी कि ये जो नंबर आ रहा है वो भी 1 से छोटा आ गया, यानी ये नंबर जो है डेल्टा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एप्सिलॉन वो भी 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो हम लोग x1 और x2 जो है वो अपने से कंसीडर किए, x1 डेल्टा माने, x2 ये माने, और ये दोनों नंबर जो है वो 0 और 1 के बीच में है। अब देखना पड़ेगा कि ये लेस देन डेल्टा आता है कि नहीं,
तो चलिए निकाल करके देखते हैं दोनों का डिफरेंस जो है उसका मॉडुलस लेस देन डेल्टा आता है या नहीं। तो यहां पर हम लोग आते हैं, देखिए एक्स वन माइनस एक्स टू का मॉडुलस निकालते हैं। तो एक्स वन हम लोग माने थे डेल्टा को और एक्स टू माने थे डेल्टा डिवाइडेड बाय वन प्लस एप्सिलॉन टू, इसका डिफरेंस निकालते हैं। आप डेल्टा यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो डेल्टा कॉमन लेने के बाद वन माइनस वन बाय वन प्लस एप्सिलॉन आ रहा है और यहाँ पर डेल्टा रहने देते हैं, ध्यान दीजिए वन प्लस एप्सिलॉन एलसीएम ले लेते हैं, तो ये वन प्लस एप्सिलॉन माइनस वन हो जाएगा। अब ये वन और वन कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बच रहा है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय वन प्लस एप्सिलॉन और इनटू डेल्टा। ये पूरा नंबर पॉजिटिव है क्योंकि एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है डेल्टा भी पॉजिटिव है, तो पूरा नंबर पॉजिटिव है तो मॉड हम लोग हटा सकते हैं, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय वन प्लस एप्सिलॉन इनटू डेल्टा हो गया। अब ये जरा देखिए कि एप्सिलॉन जो नंबर है वो तो वन प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, क्यों? एप्सिलॉन में वन ऐड कर देंगे तो वो तो बड़ा हो जाएगा। अब ये चीज से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, इधर डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय वन प्लस एप्सिलॉन और इधर डिवाइड करेंगे तो वन, और डेल्टा भी पॉजिटिव नंबर है डेल्टा से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय वन प्लस एप्सिलॉन इनटू डेल्टा लेस देन डेल्टा। तो ये जो नंबर है वो क्या आ गया, लेस देन डेल्टा आ गया। तो हम लोग क्या दिखा दिए, दैट इज मॉड एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन डेल्टा दिखा दिए। तो मॉड एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन डेल्टा है। अब हम लोग देखते हैं मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन आता है या नहीं। तो चलिए निकालते हैं अब हम लोग मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू क्या होगा। यहां देखिए एफ एक्स का डेफिनेशन है वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स आने की एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू हो जाएगा वन बाय एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू का वैल्यू हो जाएगा वन बाय एक्स टू। अब हम लोग x1 का वैल्यू बताते हैं, x1 जो है वो डेल्टा को माने थे, अब देखिए x1 जो है वो यहाँ पर डेल्टा को लिए हुए हैं और x2 किसको लिए हुए हैं डेल्टा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ पर हम लोग x2 की जगह पुट करते हैं डेल्टा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एप्सिलॉन, तो ये जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर 1 प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा यहाँ पर। अब डेल्टा हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन, तो ये वन और ये वन कैंसिल हो गया, नेगेटिव मान आ रहा है तो नेगेटिव का मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब ये एप्सिलॉन बाय डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन से बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा जरा समझिए, एप्सिलॉन बाय डेल्टा एप्सिलॉन से बड़ा क्यों होगा। मान लीजिए एप्सिलॉन की जगह हम लोग ले हैं 0.2 और डेल्टा जो है वो डेल्टा लिए हैं 0.1, डेल्टा जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में है, ध्यान दीजिए एप्सिलॉन क्या लिए हुए हम लोग 0.2 लिए हुए। अब डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो क्या 2 जो है वो एप्सिलॉन से बड़ा होगा, एप्सिलॉन ये नंबर ना है तो एप्सिलॉन से बड़ा होगी, तो ये जो नंबर है वो एप्सिलॉन से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू ये आ गया ग्रेटर देन एप्सिलॉन। देखिए मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन डेल्टा है लेकिन मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो गया। क्या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए था तब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स या एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो ध्यान दीजिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है लेकिन ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, तो यानी कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो वो जरूर कंटिन्यूअस होगा। तो ये एक थ्योरम था और इससे रिलेटेड एक और थ्योरम है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरीके इसका वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकॉन को भी ऑन कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।